नेक्स्ट ईयर में मैं मिडिलवेयर को एक्सपेंड करने वाला हूँ। इसमें आप समझेंगे कि कैसे, ये मेरा लॉगिन पेज है और अगर मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं एक डैशबोर्ड है उसके होम के अंदर आ रहा हूँ, और वहीं अगर मैंने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया और फिर से अगर मैं डैशबोर्ड वाले पे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार अगर हमने लॉग आउट कर दिया है तो कोई भी यूज़र इस वाले यूआरएल पे नहीं जाए, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर में मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें सर्च करना होगा मिडिलवेयर इन नेक्स्ट ईयर, और फिर आपके पास ये कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये वाले पेज में आ जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप मिडिलवेयर का कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट का प्रोजेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद ये मिडिलवेयर का TS फाइल है, और ये जो फाइल है हमारा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मैं इसको एक्सप्लोरर में खोल के दिखा के देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपको सोर्स के अंदर पेज और स्टाइल्स दिखता है, तो यहीं पे आपको middleware.ts का फाइल बनाना है। तो हम लोग जल्दी से एक middleware.ts का फाइल बना लेते हैं। ये रहा हमारा सोर्स वाला, और यहाँ पे ये सोर्स के अंदर जो है हमें एक फाइल बनाना होगा middleware.ts के नाम से। ये जो फाइल है ये सोर्स के बाहर रहेगा, तो मैं इसको मूव कर देता हूँ। अब ये जो हमारा middleware.ts है वो सोर्स के अंदर है, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। आपको यहीं पर रखना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है कि ये जो मिडिलवेयर का TS है इसमें राउट को अगर किसी और URL पे रिडायरेक्ट करना है या रीराइट करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे ये वाला एक कोड है कि अगर ये स्टार्ट्स विद अबाउट होता है, स्टार्ट्स विद डैशबोर्ड होता है और इसको किसी और URL पे रिडायरेक्ट करना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे जब ये पेस्ट हो चुका है तो सबसे पहले इसके एग्जांपल को हम लोग समझेंगे कि जैसे हमारा लॉगिन वाला पेज है, अगर कोई साइन इन पे है तो वो भी लॉगिन वाले पेज पे आ जाना चाहिए। ऐसा मैंने किया। अब जब मैं वापस से आके देखता हूँ तो ये जो हमारा कोड है लोकल हॉस्ट 3000 जहाँ पे हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट चल रहा था, अब ये हमारा साइन इन का पेज है। और जैसा कि मैंने लिखा, अगर मैं साइन इन पे भी जाता हूँ तो ये वापस से उसी वाला जो URL है लॉगिन वाला उसको वो रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये इसी पेज पे आ चुका है। तो इसके थ्रू आप किसी भी डिफरेंट डिफरेंट URLs को डिफरेंट डिफरेंट URL पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक कुकी के यूज़ से हम लोग यूज़र को देखने वाले हैं कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन वाले पे चल जाता हूँ, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा लॉगिन का बटन है, फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, ये हैंडल लॉगिन, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर ये कोड लिखा हुआ है कि जैसे कोई लॉगिन पे क्लिक करता है वो डैशबोर्ड के अंदर जाएगा। और डैशबोर्ड के अंदर मैंने सिर्फ होम बनाया है, आप इसमें चाहें तो और भी जैसे प्रोग्रेस हो गया या प्रैक्टिस हो गया या प्रोफाइल हो गया वगैरह वगैरह आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुकी के हेल्प से इसको कुकी सेट करने वाला हूँ, तो उसके लिए पहले कुकीज़ इन रिएक्ट सर्च करना पड़ेगा, तो वो भी मैं सर्च कर लेता हूँ कुकीज़ इन नेक्स्ट ईयर सॉरी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा कुकीज़ नेक्स्ट npm। अब इसको आपको ओपन कर लेना है नए वाले टैब में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कैसे कुकीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नया टर्मिनल ओपन करके मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक इंस्टॉल होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो जहाँ भी मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पर दो जगह चाहिए होगा, एक तो लॉगिन वाले पेज में और एक होम वाले पेज में। जब यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो वो जो कुकीज़ हमने क्रिएट किया वो डिलीट होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे गेट कुकीज़ है, सेट कुकीज़ है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सबसे पहले सेट कुकीज़ का यूज़ करूँगा, और जो जैसे कोई लॉगिन पे क्लिक करता है तो वो सेट कुकीज़ को कॉल होगा। ये रहा लॉगिन का, और यहाँ पे जो हमारा है पहले वो रिडायरेक्ट करने पहले सेट कुकीज़ पे कॉल होगा, और यहाँ पे मैं एक की के जगह पे मैं लॉग्ड लिख लूँगा, लॉग्ड, और वैल्यू के जगह पे मैं ट्रू लिख लेता हूँ। आप चाहे तो कोई भी वैल्यू या यूज़ आप कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई इस पर क्लिक कर रहा है तो वो कुकी होगा, कुकी का की होगा लॉग्ड और वो वैल्यू होगा ट्रू, वो सेट हो जाएगा यहाँ पर। और फिर होम में क्या होगा कि जैसे ही कोई ये लॉग आउट वाले पे क्लिक कर रहा है, ये एक फंक्शन है जो मैंने लॉग आउट वाले बटन पे लगा के रखा है, तो इस पर अगर कोई क्लिक करता है तो सबसे पहले वो डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट का कोड मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ,
अब नीचे आएंगे तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं हैश से लेके, तो ये सब है। तो यहाँ से हम लोग डिलीट वाले को कॉपी कर लेंगे और सबसे पहले जो राउट है उसको उधर ले जाने से पहले हम लोग उसको डिलीट करेंगे। और डिलीट में जो हमारा की है, मतलब जो लॉक्ड हमने यूज़ किया, उसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं लॉक्ड को लगा दूँगा। अब ये क्या करेगा कि ये जो हमारा जैसे कोई लॉग आउट करा है तो कुकी डिलीट हो जाएगा। मिडिल वेयर में मुझे कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो URL है उसको पहले लेना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो हमारा अभी कांस्टेंट वाला URL है, अगर मैं लोकल होस्ट पे हूँ तो लोकल होस्ट आना चाहिए, अगर मेरा कुछ URL कुछ और है तो वो आना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक URL ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा request.cookies। ये बाई डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट की तरफ से आता है और क्लोन, तो जो URL है वो क्लोन हो जाएगा। अब ये जब क्लोन हो चुका है तो इसके बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे request.cookies नहीं आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट URL आएगा। ये नेक्स्ट URL जो है URL के करेंट लोकेशन को कॉपी कर लेगा और उसको URL वाले कॉन्स्टेंट में रख लेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि मुझे कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा चेक करने के लिए वो लॉगिन है या नहीं है। तो मैं एक ले लेता हूँ जैसे इज लॉगिन करके, अगर वो लॉगिन है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। और यहाँ पे मैं करूँगा request.cookies.get और जो वैल्यू हमने लिया था लॉग्ड उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इज लॉग अगर है तो वो यहाँ पे दिखेगा, इज अगर कुकीज़ में लॉगिन है तो वो इज लॉग में दिखेगा। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इफ़ कंडीशन ले लूँगा और इफ़ में मैं बोलूँगा कि अगर इज लॉगिन नहीं है तो क्या करो कि जो भी राउट हमारे पास आ रहे हैं उसको आप रूट वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर लो। तो उसके लिए फिर से मुझे एक इफ़ कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ़ request.next URL जो कि ऊपर हमने यूज़ किया .pathname, अगर ये स्टार्ट्स होता है स्टार्ट्स विथ, जैसा कि मैंने पहले बताया हमने जो भी डैशबोर्ड का कंटेंट है वो डैशबोर्ड वाले फोल्डर में रखा है, तो इसलिए हमारा पाथ जो है डैशबोर्ड से होते हुए जाएगा। अगर वो स्टार्ट्स विथ डैशबोर्ड है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना होगा उसको, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स .rewrite। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप देख रहे हैं कि हमने rewrite का यूज़ किया, मतलब अगर कोई डैशबोर्ड वाले अंदर में जा रहा है उसके पास लॉगिन नहीं है तो उसका URL फिर से rewrite हो जाएगा। अब मैं लिखूँगा else का कंडीशन, अगर कोई लॉगिन नहीं है तो उसके अंदर एक और इफ़ का कंडीशन आ जाएगा कि उसका जो पाथ नेम है, इफ़ URL.pathname जो कि रूट पे है वो, तो क्या होगा कि अगर कोई लॉगिन है और वो रूट पे है तो उसको हमें रिराइट करना होगा डैशबोर्ड के अंदर। तो URL.pathname इक्वल टू डैशबोर्ड होम, और ये जो रिटर्न करेगा ये क्या रिटर्न करेगा, हमारा रिस्पांस रिटर्न कर देगा .redirect और रिस्पांस में जो ऊपर URL है वो उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमने डैशबोर्ड होम लिया है, पहले ऑलरेडी यहाँ पे डैशबोर्ड यूज़र है तो मैं इसको हटा देता हूँ। और इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैं इनकॉग्निटो मोड में चला जाऊँगा, यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे और एक और टैब में मैं डैशबोर्ड होम पे चला जाता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग लॉगिन वाले पेज में आ चुके हैं और इधर अगर हम लोग डैशबोर्ड में आते हैं तो ये वापस से जो हमारा URL है वो रीराइट हो जा रहा है। आप जैसा देख रहे हैं ये रीराइट हो रहा है और रीराइट होके वो जो इंडेक्स वाला कॉम्पोनेंट है उसको ला रहा है। रीराइट में यही है कि आपका जो ऊपर URL है सेम हो जाएगा, बस कंपोनेंट को वो रीराइट कर देता है। तो ये रीराइट है और रीडायरेक्ट में वो उस URL पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि हम साइन इन कर लेते हैं, अगर मैंने साइन इन कर लिया तो अब मैं इस पे आ रहा हूँ, अगर फिर से मैं इस पे डायरेक्टली जाना चाहूँगा तो मैं चला जा रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं रूट वाले URL पे हूँ, जैसे मैं चला गया
और मैं रूट वाले यूआरएल पे हूँ और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मैं वापस से डैशबोर्ड के अंदर चला जा रहा हूँ। अब देख रहे हैं हम लोग डैशबोर्ड के अंदर आ गए, और बाहर आने के लिए हमें लॉगआउट करना पड़ेगा। लॉगआउट करने पे जो हमारा कुकीज़ है वो डिलीट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट डे से मिडिलवेयर का यूज़ करके हम लोग अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच।